मान लो आप एनिमी से डैमेज हो जाओ और एनिमी ने इतना डैमेज दे दिया कि आप किसी भी टाइम पर मर सकते हो, पर ऐसा ना हो कि आप जब डैमेज हो जाओ तब अपने आप एचपी बढ़ने लगे तो क्या होगा। तो आज के वीडियो में आपको एक पैसिव स्किल कैरेक्टर की एबिलिटी, स्किल कॉम्बिनेशन और टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसे यूज करने से आपको एचपी मिलती रहेगी। तो इस पैसिव स्किल कैरेक्टर का नाम है लियोन कैरेक्टर। लियोन कैरेक्टर एबिलिटी, जब आप लियोन कैरेक्टर को यूज करोगे तब जब भी आप एनिमी से डैमेज हो जाओ या फिर आप फॉल डैमेज, जोन डैमेज, मतलब आपको किसी भी प्रकार का डैमेज मिले तब तब आपकी एचपी कम हो जाती है, तो लियोन कैरेक्टर उस एचपी को रिकवर करने में मदद करता है। मतलब आपको टोटल 60 एचपी मिल जाएगी जब आप डैमेज हो जाओ, तो वो भी 15 सेकंड में, मतलब हर एक सेकंड में आपको 4 एचपी मिलेगी। जैसे कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हो, जोन के डैमेज से मैंने एचपी कम कर लिया और फिर 2 सेकंड बाद खुद ब खुद एचपी बढ़ रही है। यह सिर्फ लियोन कैरेक्टर की वजह से हो रहा है। जब भी आप एनिमी से डैमेज हो जाओ या फिर खुद से ही, तब लियोन कैरेक्टर आपकी कम हुई एचपी को बढ़ाएगा, जो इस कैरेक्टर की मेन एबिलिटी है। कैरेक्टर इंटेंस सिचुएशन में एचपी प्रोवाइड करने का काम करेगा। अगर आप चाहे सीएस या फिर बीआर, मतलब किसी भी रैंक मोड में इस कैरेक्टर के साथ खेलोगे तो ये कैरेक्टर आपको बेनिफिट ही देगा। इस कैरेक्टर को यूज करने से आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन, जब भी आप लियोन कैरेक्टर को इन दो स्किल कॉम्बिनेशन के साथ यूज करोगे तब आपको ज्यादा मदद मिलेगी। पैसिव में मैगविल, सोनिया और एक्टिव में ओरियन कैरेक्टर। मतलब मैगविल कैरेक्टर से आप जब भी एनिमी को नॉक करोगे आपको ईपी मिलेगी। अब ईपी मिलने से ओरियन चालू हो जाएगा। ओरियन ऑन होने से आप इंटेंस सिचुएशन में इजीली फाइट ले पाओगे। सोनिया से आप एक और बार जिंदा हो जाओगे, पर जब कभी फाइट लेते वक्त आप और एनिमी दोनों सोनिया बन जाओ तब अगर आपने ओरियन को चालू किया तो एनिमी तुरंत नॉक हो जाएगा। अब मान लो आप एनिमी से फाइट ले रहे हो और आपके पास ईपी नहीं है, तब ओरियन भी चालू नहीं होगा। इस सिचुएशन में आप फाइट लेते समय डैमेज हो जाओ तब लियोन कैरेक्टर आपकी एचपी को रिकवर करना चालू कर देगा। मतलब आप फाइट ले रहे हो और आपकी एचपी बढ़ रही है। जब आप पैसिव में एंटोनियो, सोनिया और एक्टिव में दिमित्री कैरेक्टर, मतलब जब आपकी और एनिमी की फाइट चल रही है तब एंटोनियो की शील्ड आपको बचाएगी। मतलब पहले आपकी 40 एचपी की शील्ड को तोड़ना पड़ेगा, जो कि एक एडवांटेज है। और सोनिया कैरेक्टर से आपको एक और बार एनिमी को मारने का मौका मिलेगा। दिमित्री ऑन करने से आपको एचपी मिलती रहेगी और नॉक होने के बाद आप रिवाइव भी होते रहोगे। पर मान लो दिमित्री की स्किल एक्टिव नहीं है, तब आपको एचपी रिकवर करने में लियोन मदद करेगा, मतलब एचपी कम होगी और फिर से बढ़ेगी। आई होप ये दोनों कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको इनमें से कौन सी कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन ज्यादा हेल्पफुल लगी कमेंट कर देना। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर, गुड बाय।